पहले लाइन ओपन कर लेते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में कंपनी बनाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, उसको ही ओपन कर लेते हैं। आप तो हमने लास्ट क्लास में बनाया था बैंक की कंपनी बनाना और अकाउंट ओपन करना। अकाउंट ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेजर बनाओ ए एल सी से। आप पहले यहाँ पे डालते हैं उस पर्सन का नाम जिससे आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ये श्याम का कर रहा है तो आपने यहाँ डाल दिया श्याम, एंटर किया। फिर यहाँ पे आप डालते हैं इनका मोबाइल नंबर और एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आप डालते हैं इनका अकाउंट नंबर, आप यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर टाइप करते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप इसे एंटर करेंगे, अंडर में आप इसे डालते हैं सैलरी ग्रेटर, क्योंकि ये आपके लेनदार होते हैं। ये जो बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं इसमें जो चेक जमा करेंगे, कौन जमा करेंगे, ये जमा करेंगे वो चेक इनका होगा, इनका जो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो अपने बैंक में चेक जमा कर रहे हैं। इनका जब मन होगा तब वो बैंक से चेक निकाल सकते हैं, वो चेक किसका है, उनका है, उन्होंने अपने अकाउंट में जमा किया है, तो वो होते हैं लेनदार। फिर यहाँ पे जो आपसे पूछता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसमें अपन कोई डेट नहीं डाल रहे, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला पर्सन 10 दिन के बाद निकाल रहा है कि 20 दिन के बाद, उसको भी नहीं पता। तभी जैसे किसी को जरूरत पड़ जाती है 10 दिन बाद निकाल देता है, तो 1-1 महीने तक नहीं निकालता। आप यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में कोई भी डेट मत डालो, एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आप इनका एड्रेस डालते हैं, इनका स्टेट और पिन कोड। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पैन नंबर और टैक्स नंबर। आप लोग देखें आज से अकाउंट ओपन करवाते हैं पैन कार्ड नंबर मांगे, तो आप यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे। और यहाँ पूछ रहा है टैक्स नंबर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं वो टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो यहाँ पे आप उनका टैक्स नंबर डाल देंगे, एंटर करके सेव। इतना के लिए इस टाइप से आपको जितने अकाउंट ओपन करने हैं आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेंगे। फिर अपन एसकेपी से बैंक चलते हैं। एसकेपी का यूज आप जब तक करते हैं जब तक जेट वे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। अब सामने वाला पर्सन बैंक में कैश जमा कर रहा है, जिसका अपन ने अकाउंट ओपन किया वो बैंक में कैश जमा कर रहा है, अपने बैंक में कैश आ रहा है, आप एंट्री करेंगे F6 से रिसीव वाउचर। अब जो सामने वाला पर्सन आपके बैंक में कैश जमा कर रहा है वो कौन है, देने वाला, अपन कौन है, पाने वाला। 2 में आ जाएगा उसका नाम, आपने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया सबके आपने यहाँ पे सो हो रहा है, आप यहाँ पे पर्सन का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे आप डाल देंगे कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं, उन्होंने बोला 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं, आप अमाउंट कितना डाल देंगे 5,000। न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, अब बाय में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास केस आ रहा है, ठीक। अब उनका करंट बैलेंस कितना है 5,000, अभी अपने पास भी कितना है 5,000, क्योंकि फर्स्ट टाइम अमाउंट जमा हुआ, आपके पास भी कैश कितना है 5,000। आप एंटर जाके इसे यहाँ पे सेव कर दें, मतलब कोई भी पर्सन जब बैंक में कैश जमा करता है एंट्री आपको करना रिसिप वाउचर में, 2 में उस पर्सन का नाम, बाय में कैश। अब आपने देखा होगा तभी भी अपन बैंक में कैश जमा करने जाते हैं अपने नाम से वहाँ पे एंट्री नहीं की जाती, किससे की जाती है, अपने अकाउंट नंबर से, क्योंकि सेम नाम के 2 या 3 पर्सन भी हो सकते हैं। अब जरूर नहीं कि अभी अपन जो यहाँ पर श्याम का लेजर अपन ने बनाया था श्याम नाम के एक ही पर्सन हो सकता है, श्याम नाम के 2 हो 3 हो जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाया, और ऐसा भी हो सकता है इनका सरनेम भी सेम। अब आपने देखा कभी कभी कोई कोई अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लिखते, अब ऐसा एक पर्सन में 2-3 पर्सन कर सकते हैं कि वो सिर्फ श्याम लिख रहे हैं अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लिख रहे हैं, कभी कभी सरनेम भी सेम हो जाता है। तो पहचान किससे की जाती है, अपने अकाउंट नंबर से। अब आप यहाँ पे डालेंगे अकाउंट नंबर, आपने देखा अपनी पासबुक में अकाउंट नंबर उसमें देख दिया जाता है, अकाउंट नंबर देख लेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे एंटर करेंगे उस पर्सन का नाम आ जाएगा, यही अकाउंट नंबर दिया था अपन, आपने एंटर किया उस पर्सन का नाम आ जाएगा, क्योंकि हमेशा किससे चेक किया जाता है, अकाउंट नंबर से। अब ये आपको कितने जमा कर रहे हैं, माने ये भी बैंक में जमा कर रहे हैं 5,000, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपने पास केस आ रहा है तो बाय में आप लिखेंगे केस। अब अपना करंट बैलेंस टोटल कितना हो गया 10,000 और इनके में कितना है 5,000, आप एंटर करके सेव कर दें। अब इन्होंने एक बार तो जमा कर दी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से बैंक में जमा करें, एंट्री आप किस में करेंगे रिसिप्ट वाउचर।
यहाँ पे आप लिखेंगे टू में उस पर्सन का नाम, अपन हमेशा नाम निकालते हैं अकाउंट नंबर से, आप अकाउंट नंबर डाल के एंटर करना, यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा, अब कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल दें, माने 5,000 फिर से जमा कर रहे हैं, एंटर करेंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस। अब आप देखिए इनका करंट बैलेंस कितना हो गया 10,000, इन्होंने दो बार जमा किया, इनका बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक में क्योंकि इन्होंने दो बार जमा कर लिया। अपने पास केस आ रहा था, अपन ने लिखा बाय में केस, अपने पास कितना हो गया 15,000, एंटर करके सेव। क्लियर है? अब अपन एचडीएफ से बैंक चलते हैं, ऐसे ही आपके पास जितने पर्सन केस जमा करने आएंगे बैंक में आप उनका केस जमा कर लेंगे। अब श्याम नाम के पर्सन पहले आपके पास आया था केस जमा करने के लिए, अब वो आपके पास आया है कि मुझे बैंक से केस निकालना, ये उसको सिर्फ चेक करना है टोटल उसके बैंक में कितना केस जमा है, सिर्फ अभी उसको देखना है कि उसने कितना केस जमा कर दिया। तब आप क्या करेंगे, अभी आपने गेटवे ऑफ दिल्ली पे आपको यहाँ से प्रेस करना है DAL, आप डाल प्रेस करेंगे आप लिस्ट ऑफ लेजर पे आ जाएंगे। अब किस पर्सन से देखना है आप उससे अकाउंट नंबर पे जाएंगे एंटर करेंगे, यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं, एंटर करेंगे देखिए आ गया यहाँ पे श्याम भाई। अब आपको यहाँ पे बता रहा है इसने टोटल कितना केस जमा किया, आप यहाँ पे देख के हमें बता सकते हैं कि आपने अभी तो डेट आपको एक बता रहा है, लेकिन जब आप वर्क करेंगे आप वही डेट डालेंगे जिस दिन वो पर्सन केस जमा कर रहा है, आप यहाँ पे देख के उन्हें बता देना किस डेट में आपने कितना केस जमा किया है। अब इन्होंने टोटल जमा किया है 10,000, अपन सेकेंड पर्सन से चेक करते हैं, जैसे कि आप गए इसमें इन्होंने कितना जमा किया था 5,000, सोहन ने 5,000 जमा किया था, आपको यहाँ पे बता रहा है इन्होंने सिर्फ एक ही बार जमा किया और आपने 1% का और अकाउंट ओपन किया था, इन्होंने अभी कोई अमाउंट जमा नहीं किया तो नहीं बता रहा। अब अपन एचडीएफसे बैंक चलते हैं, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे वाउचर एंट्री करते हैं, अदर पर्सन केस जमा करता है एंट्री आप किस में करते हैं रिसिप्ट वाउचर टू में, पर्सन का नाम बाय में केस, और उसको अगर चेक करवाना है उसके बैंक में कितना केस जमा है आप डाल प्रेस करेंगे वहां से आप चेक कर देंगे। और आपने देखा अपन पासबुक में पूरी एंट्री करवा लेते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह निकलवाते हैं, पासबुक पे एंट्री भी हो जाती है स्टेटमेंट भी निकलता है, वो भी आप कहाँ से निकालेंगे DAL डाल से, यहाँ से आप उस पर्सन के अकाउंट नंबर पे नाम पे चले जाएंगे। देखिए बता रहा आप यहीं से स्टेटमेंट निकाल देंगे। अभी अपन यहाँ पे करते हैं Alt+P, अपन यहाँ पे प्रिंट निकालते हैं Alt+P किया आपने, आपने इसे यहाँ पे कर दिया यस। देखिए अब आपको यहाँ पे पूरा निकाल के दे रहा है, इन्होंने 10,000 जमा किए पूरे आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इस पर्सन ने आपको टोटल 10,000 जमा किए, एक बार 5,000 सेकेंड टाइम 5,000। अब श्याम नाम का पर्सन आपके पास आए उसको बैंक में से केस निकालना है, अभी तक तो जमा करने आ रहा था उसने 10,000 रुपये जमा कर दिए, कोई भी पर्सन जमा करने आए ना आप एंट्री किसमें कर देंगे रिसिप्ट वाउचर, और जब आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं कोई पर्सन केस जमा करने आ रहा है उसी टाइम अगर कोई पर्सन आपके पास अकाउंट ओपन करवाने आता है आपको यहीं से ओपन करना है डायरेक्ट, तब आप प्रेस करना Alt+C, यहाँ पे आप डालना उनका नाम, फिर यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर, अंडर में आपका सिंडिकेटर्स में आ जाए एंटर करेंगे, यहाँ पे आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। अभी अपन यहाँ पे परीक्षा डाल देते हैं, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अभी पर्सन केस जमा कर, माना ये आपने यहाँ पे 2,500 रुपये जमा कर रहा और बाय में आ जाएगा केस, अपना केस बैलेंस बढ़ जाएगा कितना हो गया 17,500, एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर लेंगे इतना कर लेंगे। ऐसे आप यहाँ पे डायरेक्ट भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं Alt+C। अब अकाउंट ओपन करना आ गया आप लोगों को और केस जमा करना आ गया, अब कोई पर्सन अगर आपके पास केस निकलवाने आता है तब आपको एंट्री करना है F5 से पेमेंट वाउचर, क्योंकि अब अपने बैंक में से केस जा रहा है तो एंट्री किस में करेंगे आप पेमेंट वाउचर। जब पर्सन बैंक में केस जमा करता है बैंक में केस आ रहा है तब एंट्री करना रिसिप्ट वाउचर, और उस कंडीशन पर्सन को देने वाला अपन है पाने वाले, और जब कोई पर्सन बैंक में से केस निकालता है
तब वो पर्सन कौन है? पाने अपन कौन है?